19 एवं 20 फरवरी को नेपाल के काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। इस प्रतियोगिता में गुमला के कामदारा प्रखंड जे SLTS में DTM के पद पर पदस्थापित पवन लकड़ा ने भी भारत के ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और भारत को गोल्ड दिलवाया। शनिवार को श्री लकड़ा के कामदारा पहुंचने पर प्रखंड के सभी समूह के महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से टीका एवं माला पहनाकर मिशन चौक से उनके JSLTA के कार्यालय तक रैली निकाल जोरदार अपने अंदाज में स्वागत किया। समूह के सभी सदस्य बहुत खुश नजर आ रहे थे और इस खुशी में सभी महिलाएं झूम रहे थे। कोच मुकेश कंचन ने भी बधाई देते हुए आगे की प्रतियोगिता के लिए अभ्यास जारी रखने के लिए कहा। इस रैली कार्यक्रम में गिरिधर, सुषमा, आशा, रीमा, सविला, सुधा, रंजन, चांदनी, मनोज, सयून एवं समूह की दीदी मौजूद थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।